वेलकम टू शीन्स लाइफ और मैं हूँ अफसीन अशरफ। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गई होगी, मेरी जैसी बोरिंग नहीं गई होगी। वैसे मेरी भी इतनी बोरिंग नहीं गई, लेकिन एक्चुअली मेरे जो प्लान्स थे वो बारिशों की वजह से कैंसिल हो गए या मैं उन्हें प्रोस्यू नहीं कर पाई, आगे भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वीक डेज स्टार्ट हो जाएंगे। होपफुली आप लोगों की ईद अच्छी गई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गई, क्योंकि सबको ही बारिश ने इस बार अफेक्ट किया है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, और अच्छी चीज़ों में था कि हमारी कुर्बानी माशाल्लाह जो है बारिश से पहले निमट गई थी, तो मैंने लेंसेज अप्लाई कर ली हैं और आप मेरी आंखों का हाल देख सकते हैं। आई डोंट नो मेरी आंखों में लेंसेज सूट नहीं करते, क्या हुआ है। मैंने हर ब्रांड के ऑलमोस्ट लेंसेज ट्राई कर लिए हैं, बट यही हाल होता है। और मेरे साथ तो हादसे भी इतने ज़्यादा हो चुके हैं लेंसेज को लेके। मैंने आई गेस पहले वीडियो भी बनाई थी, तो अभी मेरे थोड़े हालात थोड़े नॉर्मल पे आए, फिर हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, हालात मेरे थोड़े नॉर्मल हो गए 5-10 मिनट बाद। अब थोड़ा मैं अपना माइंड डाइवर्ट करती हूँ तो खुद ही ये थोड़ा सेट हो जाएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ प्राइमर ले रही हूँ। फिटमी का मैंने प्राइमर लिया। मैं हर चीज़ ऑलमोस्ट हाथ से ही करना प्रेफर करती हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट एंड डोंट से कि मैं अपनी स्किन बहुत खींच रही हूँ ये वो क्यों, क्योंकि मैं इसी तरह करती हूँ भाई। अच्छा, बहुत माइल्ड सा मेकअप रखना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम कोई ओवरडू करने की कोशिश नहीं करेंगे। हो गया वो अलग बात है लेकिन हम कोई ओवरडू नहीं करेंगे, तो इसलिए जो मैं है स्टिक नहीं यूज़ कर रही, और मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैक्स फैक्टर का हेल्दी स्किन मेडिकल फाउंडेशन, जिसके अंदर 20 FPS से मैं दिखा देती हूँ। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत लाइट रहता है स्किन पे। दो पंप हैं, ठीक है जी। अभी भी मेरी आंखें नॉर्मल नहीं हो रही, लाइक आई एम फीलिंग लेंसेस, आई विश थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाए। गर्दन, गर्दन इज वेरी इम्पोर्टेंट। ये फाउंडेशन आपकी पूरा दिन हटती नहीं है, थोड़ा सा स्किन पे सेट होने में टाइम लेती है, बट साथ देती है। वो बहुत ही लाइट वेट है, पता नहीं चलती। मैं बचाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है, तो मैं नहीं चाह रही कि जब मैं ये वीडियोस देखूँ तो उसमें मेरी उंगली माइक पर धड़ 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 टच कर रही हो और मैं पागलों की तरह जो है यहाँ मेकअप करने में लगी हुई हूँ। क्योंकि इससे पहले मेरे साथ एक और डिज़ास्टर हो चुका है। मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, मेकअप वीडियो, तो उस वक्त से तो खैर मैंने अभी तक बहुत ट्राई किया है कि मुझे अच्छा मेकअप आ जाए, क्योंकि हमेशा मेकअप आर्टिस्ट ने ही मेकअप किया है और हम तो अपना मुँह ले कर पहुँच जाते हैं शूट पर। लेकिन अब मैंने ट्राई किया कि नहीं, इंसान को पता होना चाहिए। बैक स्टेज का जो है लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। ये मैं कर रही हूँ अपनी अंडर आई के लिए और पिंपल्स वगैरह कवर करने के लिए। आज गोश्तों की भरमार भी लगी हुई है, क्योंकि कल तो किसी की कुर्बानी हो ही नहीं सकी। बहुत जिनके पास सिर्फ जगह थी उन लोगों ने कुर्बानी की, तो मोस्टली आज ही सब कुर्बानी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ मेहमानों को भी काफ़ी आना जाना लगा हुआ है। अच्छी बात है। क्या हुआ, आई नहीं? मुझे फ्रेशली पिंपल हुआ है। हाँ हाँ, जाओ से हाय। मैं ये सीन नहीं काटने वाली, मुझे नहीं बोलना मैं गंदी लग रही हूँ, क्योंकि आप खुद आई हो और खुद गुजरी हो यहाँ से। नहीं, मैं लगाऊंगी, हर बार होता है।
अच्छा जी, इसके बाद मैं इस पे यूज़ कर रही हूँ पाउडर, ये भी मैं फिटमी का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, टैप टैप टैप। आज मैं गाने बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन गाने की वजह से फिर यही होता है कि आपको वीडियो काटनी पड़ जाती है, या फिर आपकी ऑडियो के लिए आपको कॉपीराइट्स आ जाता है, तो आई डोंट वांट कॉपीराइट्स, तो मैं बोर हो जाती हूँ। आँखों में मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाने वाली, मैं इसी को यूज़ करके अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंटोरिंग। जो मेरे जैसे चबी लोग हैं उनके लिए कंटोरिंग ब्लेसिंग है, तो यहाँ पे मैं मैक का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ इस माइक के आसरे में इतनी स्लो स्लो बात करी क्योंकि मैं मुझे लग रहा है कि आवाज़ अच्छी आ रही होगी, एडिट पर पता चलेगा मुझे। अब बारी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, बॉडी शॉप का टेंट है यार, डायरेक्ट नहीं लगा रही, फिंगर पे लगा रही। ये रहता है पूरा दिन, तो मैंने सोचा कि This is the good idea. I don't know, मुझे अभी इसको एडिट करके आप लोगों को डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं कोशिश करूँ आज ही कर दूँ। Yes. सन के स्टाइल लुक। अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ ST। ठीक है, यस। अब हम इसे बिल्कुल लाइट से आईब्रो फिल करेंगे, हम कोई डार्क नहीं करेंगे, ओवरडू नहीं करेंगे। और यहाँ मैंने अपनी आईब्रो सेट करना स्टार्ट कर दी है, और मुझे वीडियो की स्पीड तेज़ करनी पड़ी क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो जा रही थी, मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि इतना टाइम लग गया है, और ये बहुत स्लो प्रोसेस था। मैं बिल्कुल चिल एनवायरनमेंट में बैठी हुई थी, तो आराम से इजी होकर मैंने मेकअप किया, और यहाँ पे मैं यही मौसम के हालात डिस्कस कर रही थी। अच्छा, अब मैं इसका क्या कर रही हूँ, मुझे ये ना अपने साइड्स पर बहुत कॉर्नर पर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सिर्फ इसको फिंगर पर लेकर कॉर्नर पर लगा लूँगी, एकदम से स्मोकी आने वाला लुक देता है, सिर्फ कॉर्नर था आपको कितना डिफरेंस है दोनों आंखों में। आई जस्ट विश ये जो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ना, इसकी आवाज़ आए, क्योंकि इस वीडियो में मेरे साथ कोई पंगा नहीं होना चाहिए। मैं इसी ब्रश से थोड़ा सा लेकर आई को नीचे थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी लगूंगी, अब क्या है जी, अब हमने करना है मस्कारा, लगाना है मस्कारा, लेकिन मस्कारा से पहले हम लगाएंगे आई पेंसिल। मैं मुझे काजल कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैं ये यूज़ करूँगी वाइट पेंसिल, नो ये किसकी है,
जस्ट बोल्ड की है। तो ये इस वीडियो को अब हम जल्दी जल्दी रैप करेंगे। यहाँ हमारी वाइट पेंसिल लग रही है और इसके बाद बारी है हमारे मस्कारा की। बॉब का मस्कारा मैंने इतना कोई अलग और अजीब सा बोला है कि मुझे खुद भी सुन के हुआ है कि इतना सीक्रेटली मैंने बॉब का मस्कारा क्यों बोला है। चलें कोई नहीं, फ़िलहाल हमारा मस्कारा ऑन गो है। इसके बाद जस्ट वी हैव टू डू लिपस्टिक एंड ज्वेलरी एंड वी आर गुड टू गो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कलर स्टूडियो का पीच पिंक, और मुझे ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए था तो मुझे लगा ये मेरी ड्रेस के साथ परफेक्ट जाएगा। टू लाइट और टू डार्क, समझ नहीं आ रहा मुझे। चलें जी, अब मैं कर आती हूँ चेंज। तो जी मैंने कर लिया है चेंज। माइक लगाना फिर भूल गई, नेकलेस मैं पहन चुकी हूँ क्योंकि नेकलेस पहनना एक एफर्ट है। और लुक, लिपस्टिक मुझे थोड़ी सी लाइट लग रही है, पूरा दिन गुजारना है सो मैं अपना डेली यूज़ के साथ ही जाऊँगी। दिल अटका था, दिल आपको कोई एक चीज़ पसंद आ जाए ना फिर आप उसी को यूज़ करते रहते हैं जब तक वो खुद चीज़ ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, इससे मुझे याद आया, मुझे आप लोगों से एक चीज़ भी पूछनी थी। अब बेटर, अब आ गई एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, इयर रिंग्स कौन से पहने जाए। ये ईद के साथ से आइए, इसलिए सही है। अब मुझे समझ आया क्या हुआ है, एसी कूलिंग कर रहा है लेकिन मैंने जलाई हुई है लाइट्स, गोल्डन लाइट्स फॉर दीज वीडियोस, तो इसलिए, और मैं बैठी हुई हूँ उनके बिल्कुल नीचे तो इसलिए मुझे स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि जब मैं उस साइड गई थी तो मुझे कोई स्वेटिंग नहीं हुई थी और मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे वापस स्वेटिंग स्टार्ट हो गया। सो फाइनली मुझे पता चल गया कि रीज़न क्या है। इतना कोई बड़ा रीज़न नहीं है, और स्वेटिंग वैसे भी हमारे मेकअप पर कोई अफेक्ट नहीं करेगी। प्लीज़ मैं अब कुछ गिराऊँ नहीं, हो ही नहीं सकता, हो गया है। ओके, नेल्स, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये स्टिकर नेल्स अप्लाई करने जा रही हूँ, और इस नेल्स को लगाना लिटरली बहुत मुश्किल था क्योंकि ये जो स्टिकर है ये बिल्कुल हट ही नहीं रहा था, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स काइंड ऑफ अ गेम कि अगर आपने एक हटा लिया है तो वो हटेगा, वरना फिर आप स्ट्रगल करते रहे कि जी ये हटेगा कहाँ से। लेकिन जिन लोगों को नमाज़ पढ़नी होती है उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि फटाफट उतर जाएंगे, लेकिन उतरने के बाद ये दोबारा लगेंगे या नहीं लगेंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और मैंने काफ़ी सारे व्लॉगर्स को देखा था जो ये बोल रही थी कि जी आप ये स्टिकर्स मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो नेल्स लगाते हुए मेरे 5 स्टिकर्स जो हैं वो वेस्ट। मैं एक ही हाथ पे नेल्स रख रही हूँ ताकि मैं इनका ख्याल भी रख सकूँ और मैं इन्हें दोबारा यूज़ भी कर सकूँ, लेकिन येस स्टिकर इज़ वेरी बिग नो नो फॉर मी। मुझे जूड़ा बांध के कुश्ती लड़नी पड़ी है स्टिकर लगाने के लिए। और दूसरी बात, जो लोग बोल रहे हैं कि स्टिकर मल्टीपल यूज़ हो जाते हैं या ये हो जाता है, बिलीव में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे हाथ में, इस एक हाथ में करते हुए मैंने आई गेस 1, 2, 3, 4, 5 स्टिकर मेरे वेस्ट हुए हैं जो कि दोबारा यूज़ नहीं हो सकते और एक बार भी यूज़ नहीं हुआ। सो तो जितने लोग ये बोलते हैं कि जी ये स्टिकर्स जो हैं मल्टीपल टाइम यूज़ हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं। बट येस, मेरे नेल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, नेल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं इसके साथ ग्लू यूज़ करूँगी तो मैं 110% इन नेल्स को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन दिस इज़ फॉर श्योर कि मैं इस वाले हाथ के साथ कोई काम नहीं कर सकती, कोई चीज़ नहीं उठा सकती। अगर मैं कुछ उठाऊँगी तो मुझे अपने नेल्स का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इन बाय एक्स का ये हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। जस्ट विश कि मैं कोई नेल ड्रॉप ना कर दूँ या घुमा ना दूँ जी। तो इसमें से मैं ये पीच
अच्छा, इसमें से मैं ये पीच शेड यूज़ कर रही हूँ। टू मेनी शेड्स, फिंगर से यूज़ करूँगी मैं। और ये देखें, हमारा मेकअप इतनी देर में सेटल हो गया है, बिल्कुल नेचुरल लुक लग रहा है, कोई ओवरडू नहीं लग रहा। इसलिए मैंने हाइलाइटर को बिल्कुल एंड के लिए रखा था। तो मेरी स्किन ऑयली है, मुझे वैसे इतनी हाइलाइटर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमने देखा होगा मेरी नाइज ऑलरेडी शाइन कर रही थी। थका दिया है मुझे नेल्स ने। आई वोंट रिकमेंड स्टिकर्स, आई डू रिकमेंड दीज नेल्स, बट आई वोंट रिकमेंड यू दीज स्टिकर्स। सो इसके बाद आ जाता है हमारा बेस्ट चीज़ गर्मियों के लिए, बेस्ट अपने मेरे हैंड कैरी में आपको 2 से 3 परफ्यूम ऑप्शंस को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफुल बाय बोनांजा। ज्वेलरी से दूर रखिएगा वरना ज्वेलरी काली हो जाएगी। इसकी बहुत ही अच्छी सी रिफ्रेशिंग खुशबू है। अभी हमने वो लगाया लोशन, सो ये यहाँ पे काफ़ी देर स्टिक करने वाला है। सो बाकी सब सेटल हो गया है, आई एम हैप्पी विद माय मेकअप लुक। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स में मुझे बताना है। कमेंट्स से मैं बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे वीडियोस बनानी हैं, पीपल आर वेटिंग फॉर मी एंड सो ऑन एंड ऑन। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती, आई नो यू ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। एंड आई होप यू लाइक दिस लुक। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक वंस अगेन।